खबरें विस्तार से। सोनारी शिवम अपार्टमेंट में हुई डकैती कांड में लिप्त युवती और दो युवकों को जिला पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए लूटे गए गहनों में से अधिकांश बरामद कर लिया है। जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली जब सोनारी शिवम अपार्टमेंट में सृजन दत्ता के यहाँ हुई डकैती के तीसरे ही दिन डकैती की घटना में लिप्त युवती समेत दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने घटना में संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पुलिस ने लूटे गए गहनों और राशि का अधिकांश हिस्सा भी बरामद कर लिया है। इसके अलावा डकैती में प्रयुक्त पिस्टल और कारतूस भी जब्त कर लिया गया है। एसएसपी अनुप टी मैथ्यूज ने बताया कि प्रयुक्त बोलेरो और उसका चालक भी पुलिस के कब्जे में है। उनके दो अन्य साथी भी जल्द ही पकड़े जाएंगे। सोनारी थाना इलाका में शिवम अपार्टमेंट्स फ्लैट में 31 तारीख को लूट की घटना हुआ था। उस समय केस रिपोर्ट हुआ था कि शाम के समय में दो महिला एक पुरुष हथियार सहित आके सोना चांदी डायमंड और नगदी सहित घर से लूट का अंजाम दिया था। और उसके इसके खुलासा के लिए हम लोग टीम का गठन किया था और टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल चार लोगों की गिरफ्तारी किया है और घटना में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी भी हम लोग रिकवर किया है और अधिकतर ऑर्नामेंट्स जिसमें सोना चांदी और डायमंड का भी जो ऑर्नामेंट्स है वो भी हम लोग रिकवर किया। नगद पैसा 10,000 रुपये भी रिकवर किया है और जो पिस्टल इसमें इस्तेमाल हुआ था घटना में वो भी हम लोग रिकवर किया है। इसमें तीन पुरुष और एक महिला जिसमें जो तीन लोग डायरेक्टली जो क्राइम में इन्वॉल्व जो स्पॉट में जो घटना जो घर के अंदर प्रवेश किए थे तीनों का गिरफ्तारी हो गया। उसमें एक महिला भी शामिल है और इसके अलावा जो टोटल चार लोग गिरफ्तारी हो गए उसके अलावा अन्य तीन लोगों को भी हम लोग पहचान किया है जिन लोग बाहर जो फ्लैट के बाहर रह के जो है जो इसका बाकी उधर सपोर्ट कर रहा था उन लोगों को भी हम लोग पहचान किया है। एसएसपी अनुप टी मैथ्यूज ने कहा कि कोर्ट में हत्या समेत विभिन्न मामलों पर अखिलेश सिंह से पूछताछ की जाएगी। गैंगस्टर अखिलेश सिंह को शहर लाया जा चुका है। एसएसपी अनुप टी मैथ्यूज ने कहा कि कोर्ट में हत्या के अलावा अन्य आपराधिक मामलों पर उससे पूछताछ की जाएगी और संपत्ति जब्त की जाएगी। जमशेदपुर का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है अखिलेश सिंह। इनके खिलाफ इनके विरुद्ध इनका 5 लाख का इनाम भी सरकार के द्वारा घोषित किया था। जमशेदपुर पुलिस और हरियाणा पुलिस का ज्वाइंट टीम इसके लिए जमशेदपुर पुलिस का सूचना पर हम लोगों का स्पेशल टीम हरियाणा पहुंच के इसका गिरफ्तारी किया था और हरियाणा में भी इसके ऊपर केस दर्ज हो गया क्योंकि पुलिस पर फायरिंग किया था। उसका एनकाउंटर का केस अखिलेश सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ है। उसके बाद जमशेदपुर का केसेस में हम लोग प्रोटेक्शन वारंट उधर का कोर्ट और जेल में हम लोग जमा किए थे और हम लोगों का प्रोटेक्शन वारंट के आधार पर अखिलेश सिंह को अभी जमशेदपुर ले आ रहा है और जमशेदपुर आने के बाद हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण केसेस में इसका पूछताछ करना जरूरी है। जैसे जो है एक तो कोर्ट कैंपस में जो मर्डर हुआ था उसमें हम लोगों को पूछताछ करना जरूरी है। दूसरे अमित राय का मर्डर है उसमें भी वांटेड है। उस केस में भी अनुसंधान में इसका पूछताछ काफी महत्वपूर्ण है। गुरु पर्व के मौके पर तीन प्लेट के MD द्वारा मैदान उपलब्ध नहीं कराए जाने से सिख समुदाय के लोग खफा है। उपायुक्त के पास पहुंचे सिख समुदाय के लोगों ने तीन प्लेट MD के असहयोगात्मक रवैये की शिकायत की और हस्तक्षेप की मांग की है। मालूम हो कि 4 नवंबर को नगर कीर्तन नामदा बस्ती गुरुद्वारा से निकलना है पर तीन प्लेट प्रबंधन द्वारा मैदान उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया गया है। प्रकाश उत्सव के मौके पर हम लोग का नगर कीर्तन इस बार नामदा बस्ती से निकलना है। इस उपलक्ष में वहाँ के जो स्टेडियम है वहाँ का परमिशन के लिए हम लोग आज DC साहब से मिले और DC साहब ने वहाँ का परमिशन हम लोगों को ग्रांटेड कर वहाँ के मैनेजमेंट से बात करके हम लोगों को दिलवाने का काम किया। इसलिए DC साहब का और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करते हैं। बीती रात गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उलीडे टैंक रोड के पास से एक पिस्टल के साथ रोहित कुमार नामक युवक को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस गश्ती दल ने उलीडी टैंक रोड के पास से रोहित कुमार को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से एक पिस्टल बरामद किया है। गश्ती दल देखकर युवक भागने का प्रयास कर रहा था जिसे खदेड़कर जवानों ने पकड़ा।
डीएसपी अजय केरकेटा ने न्यूज टाइम्स को जानकारी दी। 12 बज के कुछ मिनट हुआ था, गश्ती के दौरान जब हम लोग गश्ती में जो ढूंढ रहे थे तो पता चला कि कुछ आपराधिक किस्म के लड़के मतलब रोड में चहलकदमी कर रहे हैं। इसी क्रम में थाना प्रभारी उलीडी केश चौधरी, प्रशिक्षु डीएसपी कुलदीप कुमार और मैं साथ में रहा, तो दैनिक जागरण वाली जो गली है वहाँ पर कुछ लड़के खड़े थे। खड़े होने के क्रम में जैसे ही हम लोग वहाँ रुके तो रुकने के क्रम में कुछ लड़के भाग गए। जब भागने में एक लड़का जो पकड़ में आया जो रोहित कुमार सिंह जिसका नाम था, ये पूछताछ किए तो पता चला कि ये एक टैंक रोड का रहने वाला है। इसके पिताजी का नाम शशि भूषण सिंह है। जब इसे गहनता से पूछताछ की तो ये भागने लगा, तो भागने के क्रम में हमारे प्रशिक्षित पुलिस ऑफिसर कुलदीप कुमार ने उसको पकड़ा। रेल प्रशासन ने लोगों की नाराजगी को देखते हुए प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य आधा कर दिया है। अब 10 रुपए में प्लेटफॉर्म टिकट मिल रहे हैं। हाल ही में प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य अचानक बढ़ाकर 20 रुपए कर दिए जाने से आम लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही थी। बराबर ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। इधर लोगों की नाराजगी को भांपते हुए रेल प्रशासन बैकफुट पर आ गया है और 1 नवंबर से प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य घटाकर 10 रुपए कर दिए गए हैं। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1, 2, 4, 4, 3 हर दिया लग रहा है। पहले 20 था, अभी कितना हो गया? नंबर पहले 30 था, अच्छा अभी 10 कर दिया। तो कितनी अच्छी बात है ना। 1, 2, 4, 4 पहले 30 था, अब 10 हो गया है, तो सरकार की अच्छी पहल। अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभुकों को संशोधित अनुदान राशि की स्वीकृति के लिए उपायुक्त ने गुरुवार को बैठक की। उपायुक्त अमित कुमार ने गुरुवार को अपने माथहत अधिकारियों और अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभुकों के साथ बैठक की और राशि की स्वीकृति पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मिलने वाली अनुदान राशि पर चर्चा के बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। और इसमें हम लोग इतना तात्कालिक रूप से लोगों को मदद कर पाए ताकि मजबूती से ये लोग रखे, इसलिए इसके लिए जरूरी है कि इनको फाइनेंशियली भी और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग इनकी मदद करें। तो अभी टोटल 32 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें एक एक करके हम लोग विचार करेंगे नए मामलों को कि क्या हम लोग इनको सहायता दे सकते हैं। टाटा स्टील के श्वानों को डॉग शो के लिए अभी से ट्रेनिंग दी जा रही है। मालूम हो कि डॉग शो में टाटा स्टील के श्वानों ने हर बार अपना लोहा मनवाया है। डॉग शो एक एनुअल इवेंट है जो जमशेदपुर कैनल क्लब द्वारा आयोजित होता है। इसमें देशभर के श्वान भाग लेते हैं। श्वानों के हैरतअंगेज कारनामे और ऑबेडियंस से लोग काफी प्रभावित होते हैं। टाटा स्टील के 2 जर्मन शेफर्ड जैज एंड ब्यूटी ने पिछले डॉग शो में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। देखिए ना वो लड़का कितना हल्का। डॉग शो का ट्रेनिंग चल रहा है, जेडी कॉम्प्लेक्स में डॉग शो होगा, उनका ट्रेनिंग चल रहा है। कब है ये? ऐसी तो रूटीन ट्रेनिंग हमारा डेली चलता है। डॉग शो है आपका जनवरी में 1st वीक में। तो अभी कितने डॉग है आपके? टाटा स्टील डॉग है सारे? अभी हाँ टाटा स्टील के सारे डॉग है। तो कितने डॉग है अभी? तो ये में है, अभी जो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा वही सब जाएगा।